हेलो एवरीवन, तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम ऑनर्स का और बीकॉम प्रोग्राम दोनों का सेमेस्टर सेकंड का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस। ठीक है, तो ये बुक आपके बीकॉम ऑनर्स में भी है और बीकॉम प्रोग्राम में भी सेम ही है दोनों बुक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस है आपको बताया, हम पूरा सिलेबस कवर अप कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि स्टूडेंट तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाए हम, जितना हमसे हो पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो देख सकते हो ये बुक है आपकी, क्या क्या सिलेबस में आपको हमें पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो पहला है इशू एंड आर इशू ऑफ द, मतलब ठीक है, जैसे जो शेयर्स, मतलब कुल मिला के बी कॉम ऑनर्स पूरा मार्केटिंग के ऊपर ही इर्द गिर्द है। ठीक है, तो पहले मैं आपको शेयर्स के बारे में पढ़ना है और चैप्टर टू में भी शेयर्स ही है भाई, ये दूसरी परफॉर्म प्रेपरेशंस शेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है इसमें, और चैप्टर थ्री में बैक ऑफ शेयर्स देख लीजिए पूरा चैप्टर, इसमें आपको मैंने बता दिया है। चैप्टर सिक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है कंपनी की, उसके बारे में चैप्टर सिक्स में, और चैप्टर सेवन में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और चैप्टर एट में लिमिटेड कंपनी के बारे में, और चैप्टर नाइन में इंटरनेशनल, मतलब जो इंटरनेशनल जो रोक लगती है कंपनी में उसके बारे में पढ़ना है, और चैप्टर टेन में अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, और चैप्टर अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। तो ये सारा आपका सिलेबस है। तो देखिए जिसने कॉमर्स पढ़ी होगी तो उसको पता ही होगा ये क्या है। ठीक है, तो ये सारा आपको कर लेना, और बी कॉम ऑनर्स वालों का ये सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, तो पूरा ही अकाउंटिंग के ऊपर ही है, इसकी सॉल्व ले सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।